ऐसे कोई झंझटों को खत्म करने के लिए भारत में एयर टैक्सी लॉन्च होने जा रही है जो कोई घंटे में ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिलाएगी। भारत में ये एयर टैक्सी लाने का पूरा श्रेय जाता है देश की बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो को, जिसकी मूल कंपनी इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस ने एयर टैक्सी सेवा के लिए अमेरिका की इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान आर्चर एविएशन के साथ समझौता किया है। इन कंपनियों का लक्ष्य देश के बड़े शहरों में बढ़ते ट्रैफिक और पॉपुलेशन के बीच लोगों को इजी ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन मुहैया करवाना है। ये दोनों कंपनियां मिलकर 2026 तक इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी की शुरुआत करेगी जो शहर के बीच इलाकों आपस में जोड़ते हुए इंटरसिटी ट्रैवल की सुविधा देगी। कंपनी द्वारा जारी बताए बयान के मुताबिक अभी दिल्ली के कैनॉट प्लेस से हरियाणा के गुरुग्राम तक का सफर तय करने में 60 से 90 मिनट लगते हैं, जिसे 5 से 7 मिनट में पूरा करने का लक्ष्य है। इस मिडनाइट एयर टैक्सी में 4 यात्री और 1 पायलट 100 मील लगभग 160 किलोमीटर तय दूरी कर सकते हैं। कंपनी के मुताबिक एयर टैक्सी 180 मील प्रति घंटे के स्पीड से 1000 से 2000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है। इस मिडनाइट एयर टैक्सी के 4 यात्री और 1 पायलट 100 मील लगभग 160 किलोमीटर तक दूरी तय कर सकते हैं। फिलहाल कंपनी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, आर्थिक राजधानी मुंबई और भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में 200 एयर टैक्सी शुरू करने का प्लान बनाया।